हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 25 सितंबर, सुबह के 9:30 हो गए हैं भाई, और बहुत दिन के बाद व्लॉग आया है। मुझे भी पता है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, और मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि भाई प्लीज व्लॉग बना दो। आज मैंने टाइम निकाल के व्लॉग बना ही दिया, दिन की शुरुआत से ही बना दिया। सुबह उठ गई हूँ, अभी नहा ली हूँ, और दो दिन से मैं खुद झाड़ू पोछा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे काम वाली गई है वृंदावन, वो बोल के गए थे कि भाई नहीं आ पाऊंगी, तो ऐसे फर्श घिसा रही हूँ, इतने पसीने निकल गए। 1 किलो वजन कम हो गया 2 दिन में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं नहा ली हूँ फिलहाल, एक बार जोत बत्ती कर दूं। और हाँ, एक चीज और, नवीन आ चुके हैं, इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे, टाइटल थंबनेल से भी पता लग ही गया होगा। और गाइस, एक चीज और, हमने ना घर में थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिलहाल जो आप पीछे देख रहे हो ना, इसको स्टोर रूम बना दिया, लेकिन इसकी सफाई अभी भी बाकी है, क्योंकि बहुत रायता फैला पड़ा था सारे घर में, तो जो हमारी लॉबी थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती थी, अभी शायद से थोड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा सुधार कर दिया है। और रूम ये वाला ऐसा ही है, इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है। तो भाई, किसी का एक का ना कमेंट आया था मेरे पास कि अपना सूट कलेक्शन दिखाना। देखो, ऐसा होता है कि बहुत सारे सूट तो ना मेरे दरवाजों के पीछे ही टंगे रहते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि ना जब शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ ना, तो भाई हर रोज नहीं उनकी तय हो पाती, आप लोग भी समझ सकते हो, तो फिलहाल जिनकी तय लगी हुई है ना उनको दिखा देती हूँ मैं। वैसे देख भी रखे हैं, सारे के सारे ही देख रखे हैं, पर फिलहाल जो धुल के प्रेस करके रखे हुए हैं वो ये हैं बेचारे सारे, कुछ दरवाजों पे टंगे पड़े हैं मेरे, एक दो टेलर के पास भी हैं ये दुपट्टे वगैरह। अरे, आप उनको वॉचेस का और गॉगल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, शौकीन है अपन कितने भी हों, ये मेरा सबसे फेवरेट है, देखा भी होगा आपने। और ये भाई मेरे को लेटेस्ट अभी मिली है प्रमोशन में, अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, मैंने नंबर लगा दिया, अगर आपको चाहिए, उनके पास इतनी अच्छी अच्छी वॉचेज है ना, प्लीज जाके चेक करना, ठीक है। तो गाइस, वॉच के प्रमोशन के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास तो सूट भी आ रखे हैं प्रमोशन के बहुत सारे। खैर, इनकी बात ये होती है कि मैं उनके साथ कोलैब कर लेती हूँ, मेंशन कर लेती हूँ इंस्टा पे। अगर कोई मुझे ना यहाँ सिर्फ यूट्यूब से देख रहा है, जिनको नहीं पता है कि मैं इंस्टा पे भी हूँ, सेम टीनी बटरफ्लाई मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, प्लीज जाके चेक करना। तो भाई, प्रमोशन के ये सूट भी आ रखे, कई आ रखे, अभी ना सिल के आए नहीं है, देखते हैं। ममता, जल्दी भिजवा देना भाई। एक ये सूट आया मेरे पास प्रमोशन के लिए, एक पहले भी आ रखा था, 2-3 और आ रखे हैं, 2-3 और आने बाकी हैं, कुछ सिले नहीं हैं, कुछ अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं मुझे। तो ये सूट जहां से मैंने लिया है ना, उनका मैं फोन नंबर और उनकी आईडी स्क्रीन पे लगा रही हूँ, प्लीज जाके चेक करना, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है उनके पास, करवा चौथ के बेसिस पे आप सूट ले सकते हो। और एक चीज, अगर आप उनको बोलोगे कि भाई रेनू मलिक के रिकमेंडेशन से आए हैं टीनी बटरफ्लाई के, तो वो आपको 100-150 रुपए कम करके ही देंगे। भाई, हमारे पति विशाखापट्टनम से वापस आ चुके हैं, जैसे कि मैंने पहली क्लिप में बताया था। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग आती है ना, तो उनको ऐसा कुछ अवार्ड मिलता है, तो ये हमारे पति देव को मिला है, नायक है, नवीन क्लर्क है। ओ, ये फोटो याद आ गई, आई ला मैं कितनी मोटी थी। अभी भाई मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ, सब्जी से ना ऐसा मन ऊब गया है, सच्ची बताऊं, आलू खा के परेशान हो गए, भिंडी, घिया तो फिर भी ठीक लग जाती है, घिया का रायता कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज और टमाटर की चटनी और रोटी। ये देखो, मैंने ना अभी टमाटर निकाले फ्रिज से, दुआ के काम, देखो मतलब इतनी आदत खराब है, नहीं चूहे की जरूरत नहीं है, देखिए अब बनेगी चटनी। मिर्च पीट दी है, ये प्याज और 2-3 टमाटर लूंगी, क्योंकि 3 जने हो रहे हैं हम, मैं, नवीन और मेरी सासू माम, फिलहाल बना लू एक बारी चटनी। भाई, प्याज काट काट कर दीदे फूट गए, अभी चटनी बनाना सीखे शेफ रेनू से। ये देखो, चटनी बस नाम है, बाकी कति बारीक नहीं करती मैं, प्याज और टमाटर थोड़ा मोटा ही रखती हूँ, और जैसा बनाऊंगी फिर घर वालों को खाना पड़ेगा उसमें, चाहे फिर हमारी सास है या फिर नवीन है, नखरा नहीं चलेगा, बहू का नखरा बोलेगा। यहाँ भी थोड़ी थोड़ी कॉमेडी कर देती हूँ मैं, ज्यादा सीरियस व्लॉग मेरे से बनते नहीं है गाइस। तो भाई, ये सीन दिखाना था मैंने, कहाँ नवीन गाड़ी के सपने ले रहे थे, कहाँ रेडी पतुल लग रहे। क्या ये गंदम?
बंद है यो। थोड़ा ध्यान से रखना। एक ले बताओ भी नहीं हो। तो भाई चून दे दिया था ईब लाग की रोटियां। बन गई भी सारी रोटी या लास्ट है। पसीना देखो। नवीन तो जींद जा रहे हैं, मैं सासू लाग रही हूँ खान और मैं नहीं भूख नहीं जुमा भी चाह पी ली थी तड़के। खाना खा ले, खाना ना बस खा ले दादा के ले। खाया इसने कोटुक कोनी खाने की कंधे नून तन गोली गेड़ो लेगी। 12:15 हो गए हैं भाई और इधर दुआ सो चुकी है, फोन देखते देखते सो गया, ना कुछ खाया ना पिया। और भाई मैं भी खा लूँ खाना भाई, दो रोटी नूनी की या चटनी और शीत। तो भी नवीन भी जींदता आगे थे, इब मैं खाना खान बैठी तो फिर मखा चलो दोनों ही खा लेते हैं एक साथ। देख कित बैठे हो, एक पैर नीचे कर लो ना, देख नो जुकर मैं कर रही। अरे देखो नवीन ने तो क्यूते गुड़ रहते चटनी है। देखिए इधर, हेलो गाइस कह दो सबने। तो भाई आज बहुत दिन बाद इकट्ठे बैठ कर खाए हम। बाकी जिस दिन आए ना उसे दिन हम जींद जाके और मेरे जन्मदिन की पार्टी कराए थे, मैंने नवीन का पार्टी दे दी थी। पर गिफ्ट फिर भी हमारा पेंडिंग है रे, पता नहीं ये तेरा गिफ्ट पूरे हो पूरा ये जन्मदिन पर कुछ देन दे नहीं मिलता है। और ते नहीं जान को छुट्टियां खोल लेते हैं नहीं है? छुट्टियां खोल लेते आप, छुट्टी मिलती होनी टाइम पर। तो भाई मैंने खाना भी खा लिया और जो बर्तन थे सारे साफ भी कर दिए। ये जचाना का काम रह गया, कसम जचाना इतना बूंदा लगा नहीं मैंने भाई। दोपहर के 2 बज गए हैं और किसी ने नू लगता हो ना कि पैसा कमाना बहुत आसान है तो एक दिन मेरे द्वारा कट के देखियो मेरा लगेगा। मतलब नवीन दुआ और मेरे सासू तीनों राम ते इसी में सुन लग रहे हैं और 6 रोल कर लिए और कति सारा गातन खंडिया पड़िया है। कोई प्रमोशन, कोई फनी, कदे कुछ हर कदे कुछ हर, ये लव लोग शुरू कर रखा। हाँ पीसा है कति बढ़िया है, यूट्यूब पर नट दी नहीं अपने सारे शो कितनी बढ़िया त्रिया पूरे कर सको, पर नींद चैन रेस्ट सोना धोना सब कुछ भूल जियो सब कुछ। एसी 2 बजे न हो रहे, इधर नवीन इधर मेरी सास मस्त सो रहे हैं भाई। भूख लगी एक यूप भी बना लेते हैं। नवीन तो लड़बड़ कर जाते रहे मेरा दिमाग खराब करके। मेरा और नवीन का 36 का आंकड़ा रहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लापरवाह है और मुझे लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं, एक तो ये कारण है। वैसे सब लोग लुगाया के जूत बजते रहे हैं, मैं सोच रही हूँ भाजी मैं नवीन के ला जम्मू ना ही जाऊँ तो सब तो सही गवे कि मम्मी चली जागी अपन इधर रह लेगा अकेला। बहू तो तेज है लेकिन माँ और बेटा तो शरीफ है ना, वो तो खुशी खुशी रहेंगे। अपन के तो सिर में घुमड़े हैं, सबके साथ बिना बात लड़ती रहती हूँ है ना। तो अभी भाई मेरी यिप्पी बन गई है और मुझे ना मैगी से ज्यादा पसंद है यिप्पी। लो भाई लपेट देते हैं एक बारी। ये ले दुआ। अरे इसने रोटी खुवाती ना या इस कमरे तो उस दूसरे कमरे में पोची पाओ, यो आलन फालन इतना बढ़िया लगा इसने। है दुआ रोटी खाओगी? ले मैगी खाऊंगी, रोटी नहीं खानी है। रोटी ले तू तेरी मैगी खानी है। कौन है रोटी तो भावे नहीं है ना, अपनी माँ तो भी 2 चंदे बाद है। और भाई यो आप पेटी खोल ली है, इसमें दुआ की गाड़ी थी, देखो सेट करेंगे इसको। भाई दुआ की इस पजामी में ना नाड़ा था रही, इसने काट बगाया खुद दही। अरे भी सुतनी ऊपर नहीं हो रही इसकी, बड़ बड़ खिंचल लग रही है। दुआ क्यों क्या पजामी का है?
इतनी बुंडी गर्मी है, कति पसीने आ देख दुआ के मुछ मुछा पसीने आ रे दा पसीने पूछ दे मम्मी के मेरे पसीने पूछ दे फूक मार दे पसीने सुखा दे भाई। एक बार ये शाम वाले बर्तन कर दू सेट, ये तड़के के तो जचे भी नहीं है बताओ नहीं, बस सारा दिन लागे रहो कुछ नहीं रे मट्टी हो रही है जमा मेरी ऐसी बढ़िया ठाट तो सोया कर दी जिंदगी ऐसी थी अपने आप पे पर बबूला नहीं मैं लिया। 10 दिन की छुट्टी में इसका यार दोस्ता के लटरी पली कर ले है के है रियो खट्टू श्याम पचाऊंगा आप जाओ दोस्ता के ला या रन करो निगर क्या तो पूछ लो अगर खाटू श्याम आपकी इतनी श्रद्धा है तो इछोरी ले जो भी तार अपनी माने भी मन एकदम सांस आ लें दो चाल दो सारे बस पूछना है झूठ मूठ का और बैग पैक कर रहा अपना पूरा का पूरा की बात है देखिए डाल रहे दो ले अच्छा रियो टी-शर्ट है हां टी-शर्ट है एक दो 10 दिन की छुट्टी में भी आदमी दो दो दिन गायब रहे पिछली बार 2-3 दिन में आया उड़े जा रहा था एक बार दे दे यो जोड़ा पैक हर पूछा है यो और कुछ कट गए कौन जाना हां जाना है कोनी जाना है भाई वो ठहर खड़े है कौन जाना बेबे कौन जाना बेबे जाना है कोनी यार के ड्रम में है क्यों सही है या तो पूछा ना करो जब घर के नाटक तो मान जाया करो बिग जी है आप उन्हें मानो मेरी अपनी बात है तो घनी बढ़िया बात से देख लो इतनी सुनकर ना भी तैयार हो लिया और जान दे फोन स्विच इंसान का जान दे फोन स्विच ऑफ पाओगा बोल भले अपने सारे डब्बिया के नंबर लिख के जाओगे अरे अरे टेक जाओ सारा ने आंडे जाओ फिर इनके डब्बिया दो फोन करते अरे मित्र आजा जान दे उन्हें जान दे आप चलेंगे कल जींद चलेंगे मम्मी बेटी मेरी बेटी ने आइसक्रीम खुआ के लाऊंगी है ना जींद वेली पर आइसक्रीम खा का मेरे लड्डू मम्मी अच्छी है ना कोई नहीं अच्छी गंदा आंगे आपको मन लग रही दुआ लो कहते मम्मी अच्छी है कहते मम्मी अच्छी है कहते लोग मम्मी अच्छी है भाई कोई को नहीं कहा मैं कहूँ मैं बहुत अच्छी हूँ एक बार भाई जोत बत्ती लगा कर ना उसके बाद देखो सीमी शामी बनाओगे नवीन तो जा लिया खाटू श्याम भाई शाम के बज गए 7 और अभी एक बारी शाम वाली जोत बत्ती करके उसके बाद बनाऊंगी सीमी फिर खा पी के फिर सोएंगे जय श्री राधे गुड नाइट राधा रानी कर आई कोई जोत बत्ती पसीने आ गए बड़ी वाले रात के बज गए भाई 9 और मैं दुआ लाग रहे सिमी खान फिलहाल या जब तक सो गई थी ई उठ गई है ठीक है गाइस ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड ओके बाय बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।